एक तरफ जहां सरकार ICDS योजना के अंतर्गत गांव-गांव में स्कूलों में आंगनवाड़ी सेंटर चला रही है और 3 वर्ष से लेकर 5 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा के साथ जोड़ रही है, लेकिन सरकार की लापरवाहियों के वजह से, जनपद की लापरवाहियों के वजह से यह योजनाएं विफल होती नजर आ रही है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है हरदीडाली आंगनवाड़ी केंद्र, जहां पे आंगनवाड़ी ना तो सेंटर है और ना ही बच्चों के लिए बैठने के लिए कोई जगह। आपके हिसाब से यहाँ पे कौन कौन समस्या है? समस्या ये है बाकी मैंने चाहे आंगनवाड़ी केंद्र यहाँ अच्छा नहीं बा, अपने घरे पढ़ावा थी अटनुकुल चाहे व्यवस्था शौचालय चाहे पानी पिए चाहे साफ सुथरा चाहे आ फिर समय समय से जमाने लेकिन खाए के मिला था वो समय समय से नहीं आवा था वो कुल चाहे। तो इस समस्या के निदान के लिए आप कहाँ चाहल जाता है? आई कोई व्यवस्था बने तब तामन के लेके पढ़ पाई यहाँ ना रही तो कहाँ पढ़ी यहाँ लेके। जहाँ पे आंगनवाड़ी सेंटर चल रहा है बच्चे नियमित पढ़ने आ रहे हैं वहाँ पे आंगनवाड़ी सेंटर नहीं है, और जहाँ पे आंगनवाड़ी सेंटर बना हुआ है वहाँ पे बच्चे ही नहीं आ रहे हैं, कहीं पे सहायिका का पता नहीं है तो कहीं पे आंगनवाड़ी का पता नहीं। और ये आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों की लापरवाही के वजह से बच्चों की संख्या दिन ब दिन कम होती जा रही है और 3 वर्ष से 5 वर्ष तक के बच्चे गाँव में घूम रहे हैं। पेड़ के नीचे बच्चे बैठते हैं, कभी आंधी आई या कभी बरसात होने लगी तो हमको पास के किसी मकान में जाना पड़ता है, तो ये हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या है। और धूप से भी हमको बच्चों का बचाव करना है। सबसे बड़ी समस्या मेरे लिए या हम सभी ग्रामवासियों के लिए आंगनबाड़ी केंद्र बनने की है, यहाँ पे केंद्र बनना बहुत ज़रूरी है। तो इस समस्या के निदान के लिए आप कहाँ चाहे जाता है? यहाँ बने चाहिए, यहाँ खाना खर्चा कुल चौपावे चाहिए, लड़के भूखा ले दोपहरिया में घरे जा ले लम्बे घर बा, लड़के कैसी रही हैं भूख लगी प्यास लगी के नहीं देवे के, हमने गृहस्थी आदमी लेकिन के ला पौजी खर्चा देवे के, स्कूल में आवे चाहिए सब चीज लेकिन की व्यवस्था हो चाहिए, हक मुति देना लेके कहाँ जाइए। मैंने यह वीडियो इसलिए बनाया ताकि आप लोग हमारी मदद करें और इस समस्या को खत्म करने के लिए आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जिला अधिकारी को फोन करें, उनका नंबर है 055-222-264। मैं संजय कुमार जसवाल, वीडियो वॉलंटियर, उत्तर प्रदेश महाराजगंज से, इंडिया अनहर्ड के लिए।